स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ओर से लेटेस्ट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। गूगल पे जाना आपको सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। अब इसके बाद आपको इसके वेबसाइट पर आ जाना है। देखिए अभी जो है फिलहाल जामिया की ओर से अगर हम बात करें तो जैसे लेटेस्ट में जो नोटिस एंड अपडेट्स आया हुआ रहता है, एक तो ये देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट्स जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया में, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने RLL फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको अब ये है कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक डेडलाइन दे रखा है 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में, जिस भी कोर्स में लेना चाहते हैं, जैसे पार्ट टाइम कोर्स है ये और डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो गया, इन सब में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले आपको अपने डिपार्टमेंट में वहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ेगा, इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अगला जो अपडेट है वो हॉस्टल्स को लेकर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन्होंने हॉस्टल्स को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। अभी जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक हॉस्टल का सेक्शन दिखेगा, ये रहा आपका हॉस्टल का सेक्शन, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आइकन ओपन होगा। ये लेटेस्ट में भी जो नोटिस एंड अपडेट्स है यहाँ पर हालांकि मैंसन नहीं किया गया अभी, यह आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटरव्यू शेड्यूल का है और यहाँ पे जामिया स्कूल के लिए है और बाकी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उन लोग के लिए। तो अभी हम इस पर सिंपली टॉप पे क्लिक करते हैं, इसके बाद इस तरीके का आइकन आएगा, इसके बाद इसको क्लिक है ट्यूटोरियल पे डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि ज़्यादातर बच्चे के पास मेरा ख्याल है कि पहुँच गया होगा यहाँ पर, मतलब उनके पास पता चल गया होगा, मैं बस आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके अलावा इससे बाकी चीज़ें अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे देख सकते कर है, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल कर रखा उनको अभी इंटरव्यू होना है और देखिए कब होना है उसका डेट मेंशन है, 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, टाइमिंग मेंशन है, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मेंशन है कहाँ पे होगा, ये सारे चीज़ें मेंशन है कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में होगा। पहले ये होता था कि एक FTK में भेजा जाता सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन इस बार जो है सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने डिपार्टमेंट में ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ये जैसे देखिए यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में ही हो जाएगा, तो ये तो हो गया। अब इसके लिए अगर देखा जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया उन लोगों के लिए, बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ आपको लेकर जाना पड़ेगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिएगा। थैंक यू।